खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अशोक अरोड़ा साहब हैं, इस वक्त न्यूयॉर्क से सीधे जुड़े। और मैं कहना चाहूंगा कि अशोक अरोड़ा वो शख्स हैं, वो आप कह सकते हैं एक तरह से वो लीगल ल्यूमिनरी हैं जो इस पूरे मामले को आज आपको समझाने जा रहे हैं कि इसके पीछे मंशा क्या है, क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह सकते हैं, जेल में भी अगर चले जाएं क्या इस तरह का कोई कानून नहीं है। अशोक अरोड़ा न्यूयॉर्क से जुड़े हैं। अशोक जी, आप न्यूयॉर्क से आपने समय निकाला हमारे दोस्तों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो ईडी है, जिस तरह से इसने पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा, आज दूसरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा गया। हिंदुस्तान के दो दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे गए थे, दोनों को जेल भेजा जा रहा है। मैं अशोक अरोड़ा जी ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अगर एविडेंस नहीं है, जैसे हेमंत सोरेन के खिलाफ भी एविडेंस नहीं थे पर्याप्त, आज केजरीवाल के खिलाफ भी पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी का ट्रांजेक्शन, मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया, एक रुपया बरामद नहीं हुआ, आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं ये जोर जबरदस्ती है? दीपक जी, विदाउट एनी इनिबिशन, बिना किसी शर्म के मैं कहूंगा कि दिस इज क्लियर केस ऑफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज नॉट ओनली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज मर्डर ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट इज मर्डर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं इसके लिए। मैं तो कबीर फैन हूं और कबीर ये कहता है, बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिलिया कोई। मैं तो पहले अपनी जमात को शामिल करता हूं। ये सारी जो आज देश में 80 करोड़ को खाली खाना नहीं मिल रहा, 140 करोड़ सफर कर रहा है और सफोकेट हो रहा है, मैं बताता हूं कैसे। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील जिम्मेवार है। मैं दोबारा कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पांच वकील, बड़ी बात कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के खुद सेक्रेटरी भाई, बार काउंसिल का सेक्रेटरी, तभी तो मैंने कहा, मैं तो कभी, अरोड़ा साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेट जिम्मेवार है या मोदी जिम्मेवार है या अमित शाह जिम्मेवार है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंडरल्स। पॉलिटिशियन जितने भी हुए हैं, जो हिटलर हुए हैं, जो हमारे यहाँ के हिटलर हैं, मैं किसी पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं जुडिशियल सिस्टम को ब्लेम करता हूं जिन्होंने शपथ ली है कि विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ अप्लाइज, या रूल ऑफ लॉ चल रहा है बताइए? वो जो चक्की पीसिंग जिसके लिए इतने बड़े बड़े देश के नेता कह रहे थे कि कितने हजारों करोड़ का जिसने घपला किया है, उसको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आप तो साफ दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारी वॉशिंग मशीन इतनी शानदार है, कोई आवाज नहीं होगी, आप चुपचाप साफ सुथरे निकल के आप ओथ ले सकते हैं। अरोड़ा साहब, क्योंकि आप हम लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा काबिल लायक जो कानून को समझता हो देश के, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के आप तीन बार सेक्रेटरी रहे, एक बहुत लंबा कैरियर, मैं आपको सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं जी। आपको लगता है कि केजरीवाल पर जो केस बना है, ये जो लिकर पॉलिसी का, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? इसमें सबूत है या आपको सबूत नहीं दिखता, ये केस आपको कमजोर दिखता है? ये केस मैं आपको ले चलता हूं मनीष सिसोदिया, जो बैकग्राउंड है, आप मनीष सिसोदिया का जजमेंट, जो नर्सरी का बच्चा जो लॉ में एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, वो नर्सरी का हो गया, वो कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा नर्सरी का या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उस जजमेंट को पढ़े जिसमें मनीष सिसोदिया की बेल डिसमिस हुई है, तो ए से लेके और नीचे वाई तक आपको लगेगा इसको बेल मिल रही है, और नीचे सी आते आते, जेड आते आते बेल डिसमिस हो जाती है। इट इज टोटली इलीगल ऑर्डर, इट दिस ऑर्डर वॉज टोटली इलीगल, दिस डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, द रेपुटेशन ऑफ जुडिशियल स्ट्रक्चर इन कंट्री, इन द वर्ल्ड। लोग हंस रहे हैं, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में लोग, यहाँ पर 40 कंट्री के लोग आते हैं दीपक जी, जहां पढ़ रहे हैं, वैसे तो 95 के, इस टाइम भी 40 कंट्री के, वो कहते हैं अशोक व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये व्हाट इज दिस लॉ। समबडी जिसको 70,000 करोड़, 50,000 करोड़ जिसपे इल्जाम है, वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर रूल ऑफ लॉ, जो बच्चा भी समझता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सबके लिए कानून बराबर। नहीं, मैं आपसे
मैं अरोड़ा साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को जिस केस में जेल भेजा गया, उसी केस में, उसी शराब मामले में संजय सिंह को जेल भेजा गया और अब केजरीवाल को भेजा गया, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के 3 बार के बार काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, 40 साल से आपकी प्रैक्टिस है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो केस है कमजोर केस है? ये पूछ रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं आपको, जब मनीष सिसोदिया का ही नहीं बनता तो बिल्कुल वो केस जो है ऐसा, अगर ऐसी बात थी तो डे टू डे ट्रायल करके उसको सजा कर देते। मैं नहीं कहता कि किसी को भी छोड़ना चाहिए, तो डे टू डे ट्रायल करके सजा कर देते ना, उस पे तारीख क्यों हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दीपक जी, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन कह रहा हूं, अगर रूल ऑफ लॉ की बात है तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज नहीं बनता कि अगर 500 लोगों ने ऑफेंस किया है तो सबसे पहले लाइए जिसने 70,000 करोड़ का किया उसको अरेस्ट किया है, जिसने 60,000 किया है उसको किया है, जिसने 30,000 किया है उसको किया है। और बीजेपी ने खुद, ये तो कानून अभी आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड जो सेटिसाइड हुआ है, दैट मींस ये 10,000 करोड़ की एक रिश्वत ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये 10,000 करोड़ रिश्वत ली है बीजेपी के नेताओं ने, वो सारे अंदर होने चाहिए थे इस टाइम अगर रूल ऑफ लॉ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अगर एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, 1 रुपया बरामद नहीं है, कोई साक्ष नहीं, सिर्फ गवाही पर आप मुख्यमंत्री को जेल भेज दोगे? कोई आदमी गवाह बन जाएगा, सरकारी बयान दे देगा कि हाँ हमारी केजरीवाल से मुलाकात हुई थी और हमने उनको पैसा दिया था या हमने उनको ये ऑब्लिगेशन किया था? क्या गवाही पर जेल भेज देंगे आप एक मुख्यमंत्री को चुनाव के समय? मैं दीपक जी यही आपको कह रहा था कि दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मर्डर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं कि सबके सामने कानून सबके लिए बराबर हो, अगर बराबर है तो अभी अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो सारा पैसा आया इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये इलीगल है, तो ये भी तो मनी लॉन्ड्रिंग है। जिस पे 6,000 करोड़ का केस है वो तो बाहर है, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनके बाहर घूम रहे हैं, और जिस पे आप कहते हैं इनके मुताबिक भी 300 करोड़ का है, तो पहले 6,000 करोड़ का प्रोसिक्यूट होना चाहिए या पहले 300 का होना चाहिए? पहले 50,000 करोड़ का जिसके लिए चप्पी पीसिंग कर रहे थे वो अरेस्ट होना, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। मैं इसलिए कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वकील और सुप्रीम कोर्ट के जज आज सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं इस मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। पहले मैं वकील कहता हूं और फिर जज। आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हियरिंग हो रही थी, लास्ट मिनट तक मुकुल रोहतगी और आपके हरीश सालवे, आपके तुषार मेहता, ये जो आप बड़े बड़े वकील कहते हैं, बड़े बड़े वकील नहीं है ये, इन पे तो इकबाल लिख गया है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे ना तन तेरा ना मन। आज वकील, पहले वकीलों ने आजादी दिलाई थी, पहले वकील तो जो थे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, अंबेडकर, इन्होंने आजादी दिलाई। आज के वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो गुलामी का कारण बन रहे हैं। ये 3 वकील तो मैंने आपके सामने नाम ले दिए, लेट देम प्रोसीड, ये सारे मेरे जूनियर हैं। चंद्रचूड चीफ जस्टिस मेरे जूनियर है, तो बाकी सारे जूनियर हो गए। मैं इन आगे से ज्यादा को मैं पढ़ाता रहा हूं, लेकिन मेरे को शर्म आती है कि ये बहन भाई सारे जो मेरे जूनियर हैं ये आज क्या काम कर रहे हैं। और मेरे को किसी से ये मतलब नहीं है कि वो प्रोसेस, मेरे को इसलिए दुख है कि 140 करोड़ इनकी वजह से सफर कर रहे हैं, 80 करोड़ नहीं। अशोक जी मैं चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये जो मोदी सरकार है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों पे प्रेशर है, हाई कोर्ट जजों पे प्रेशर है? 100%, लेट देम समन मी इन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, आई विल प्रूव देम 100%। मैं इनको जानता हूं, इनको कानून आता है। आप ये देखिए फर्क क्या है, चंद्रचूड को, संजीव खन्ना को, मुकुल रोहतगी को, हरीश सालवे को, तुषार मेहता को, मैं सबको कहता हूं, इवन डेविल इज टू बी गिवन इज ड्यू, इनको कानून आता है, लेकिन ये सब प्रेशर में है, सब आज गुलाम बन चुके हैं, मैं यहां तक कहूंगा। मान लीजिए मोदी की जगह वाजपेयी सरकार होती या मनमोहन सिंह सरकार होती या कोई और सरकार होती, मोदी शाह की सरकार नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो बहुत हल्के केस हैं ये अदालत में खड़े ना होते? क्या आपको लगता है कि कोई और सरकार होती तो आज मुख्यमंत्री, दो दो मुख्यमंत्री जेल में ना होते, इनको बेल मिलती? क्या ये बेल लाइक केस है, क्या जमानत लाइक केस है ये, जिस तरह का एविडेंस है? मैं एक मेरिट पर सवाल पूछ रहा हूं, क्या जमानत हो सकती है जिस तरह के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिस तरह का एविडेंस ईडी ने जुटाया है, क्या इस मामले में बेल हो सकती है? आर दे फिट केसेस फॉर बेल, मिस्टर अरोड़ा?
दीपक जी, आपने ये सवाल एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल भी बन गया, क्योंकि मनमोहन सिंह और वाजपेयी दोनों देवर वेरी वेरी ग्रेसफुल, गलतियां उनसे हुई हो ना हुई हो वो दूसरी बात है, वो ग्रेसफुल लोग थे, वो स्टेट्समैन थे, वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, उनके टाइम पे अरेस्ट ही नहीं होता, और अरेस्ट होता है तो जैसे जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मनीष सिसोदिया में, आपको मैं याद दिला दूं, पहली हेयरिंग में कहा कि ये क्या केस है, ये तो एक मिनट में उड़ जाएगा। जिस जज ने ये ओपन कोर्ट में पूरे देश में ये बयान दिया हो कि ये क्या केस लेके आ गए मेरे पास, ये तो एक मिनट में उड़ जाएगा इसकी जरा में, और उसको फिर तीन हफ्ते आपने सुन के सुनवाई करके डिसमिस कर दिया। ये मनमोहन सिंह और वाजपेयी के टाइम जो स्टेट्समैन थे, ये जुल्म नहीं होता, उनके टाइम में ऐसे जुल्म नहीं हुए। वाजपेयी जी ने इतने लोगों की सरकार चलाई, 13-13 पार्टियां बना के, ही वॉज ए स्टेट्समैन, ग्रेसफुल मैन। आप ये देखो ना, उनकी तकरीर सुनो आप, जब मनमोहन सिंह वो कहते हैं ना, वो एक कबीर का बड़ा अच्छा है कि साधु सोए जानिए चले साधु की चाल, तो वाजपेयी और मनमोहन सिंह तो साधु की चाल चलते थे, वो साधु थे, वो तो आप कौन सी चाल चली जा रही करते थे। अब इसमें तानाशाह चल रहे हैं, तानाशाह जिनकी ग्रेस नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर रहे। यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। अरोड़ा साहब देखिए, हम लोग जितने भी गेस्ट हैं, चाहे मैं हूं, चाहे रवि कांत जी हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आप ही सिर्फ एक ऐसे इस वक्त वकील हैं। आप कह रहे हैं कि साहब मुकुल रोहतगी आपके जूनियर थे, चंद्रचूड़ को भी आप अपना जूनियर बता रहे हैं, तो आप जैसा तजुर्बे वाला 3 बार सुप्रीम कोर्ट का बार का सेक्रेटरी हो, मैं सिर्फ बहुत सिंपल पूछ रहा हूं, जो मेरे दोस्त सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या ये केस मेरिट पर है, क्या ये केस जो चलाया जा रहा है केजरीवाल पे, ये एक फेक है, फर्जी केस है, इसमें किसी तरह से जोड़ तोड़ के साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है, या इस केस में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल केस है। दीपक जी, 100% प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। अगर इतना सच्चा होता तो अब तक सजा क्यों नहीं करती डे टू डे ट्रायल करके? सिंपल सी बात है, एविडेंस जो है वो टोटल, इस एविडेंस पे सजा नहीं हो सकती, और इससे ज्यादा एविडेंस में एट द कॉस्ट ऑफ, ज्यादा एविडेंस तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 6,000 करोड़ बीजेपी ने लिया है वो सारा हवाला मनी है, वो तो सब इलीगल है, तो वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए? फिर बीजेपी के मेन लीडर क्यों नहीं अरेस्ट हुए इस टाइम? 6,000 करोड़ के बंदे भाषण दे रहे हैं हेलीकॉप्टर में घूम के, और 300 करोड़ वाले बंदे अंदर है। मैं तो इस पे रूल ऑफ लॉ पे भी तो बात कर रहा हूं ना। मैं रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून बराबर कहां है? और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा कि 4 दिन पहले भाषण दे रहे थे कि इस बंदे ने 50,000 करोड़ का घपला किया है, ये चक्की पीसिंग होगा, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया आपने। अशोक चौहान को देख लीजिए, उसके खिलाफ कितना एविडेंस है उसमें, हाउसिंग वाले में, उसको आपने, उसको राज्यसभा दे दी। आप तो सरेआम रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, आप देखिए कितनी शर्म की बात है, रिश्वत दे भी रहे हैं, राज्यसभा देना रिश्वत लेना है, और इतना 6,000 करोड़, और 6,000 करोड़ तो खाली इट इज टिप ऑफ आइसबर्ग। दीपक जी ये भी समझिए, जनता को, दोस्तों को आपके, मैं तो बड़ी शिद्दत से आपको मैं सलाम भी करता हूं, आपका प्रोग्राम मैं उठते ही सबसे पहले, लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैं आपका प्रोग्राम उठते ही देखता हूं कि दीपक ने क्या कहा, और रवि कांत जी, प्रोफेसर रवि कांत और अभिषेक जो बोलते हैं तगड़ा, और सिंधु साहब, ये मैं सुनता हूं टाइगर को, उठते ही सबसे पहला ये काम करता हूं मैं, यहां बैठा मैं कोई पैसे नहीं बना रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, सर्च कर रहा हूं कि, और मेरा टॉपिक है रिसर्च का, रियल फ्रीडम फॉर बिलियन सफरिंग अनडिग्निफाइड लाइफ, ये टॉपिक है मेरा, मैं वकालत छोड़ के आया हूं। आपको मैं सलूट करता हूं कि आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि इनको इंसाफ इस दौर में कैसा मिले। अरोड़ा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आपका ये कहना है कि इस वक्त देश में जो टॉप वकील हैं ज्यादातर आपके जूनियर रहे, या आपसे जूनियर रहे वो, आपका ये भी मानना है कि आपकी जो वकालत है, चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं या बाकी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे आप सीनियर हैं, तो अगर आप सीनियर मोस्ट जज हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान में, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, और इस वक्त आप न्यूयॉर्क में रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह हिंदुस्तान के जो गरीब जनता है, मुसलमान हैं, गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हों, कैसे उनको इंसाफ मिले, ये आपका रिसर्च, और 3 बार के आप सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के सेक्रेटरी रहे। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर आप इतनी बारीकी से न्याय को जानते हैं, कानून को जानते हैं, क्या कोई उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए,
ऐसा आपको लगता है कोई उम्मीद हम कर सकते हैं या मोदी और शाह का बहुत ज्यादा प्रेशर है जुडिशरी पे? गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी से गिला करे कोई। मेरी तवक्को तो इनसे उठ गई है, जब मैंने कहा कि ये सारे जगह चंद्राचूड़ मेरे से जूनियर है तो बाकी सारे जज तो हिंदुस्तान के हो ही गए। जब आप जजमेंट लिखते हैं खाली कानून के बेस पे नहीं लिखते, जजमेंट एक इंसान की नीयत लिखती है, उसका जमीर उसका किरदार लिखता है। जैसे मैंने बताया कि मनीष सिसोदिया की जब बेल डिसमिस हुई तो वो जजमेंट उसमें अर्नब में क्यों आ गया, अर्नब ने जो इतने सारे जुल्म किए हैं, अर्नब को तो कभी बेल होनी ही नहीं चाहिए थी। जो बंदा पिला रहा है, जो इतनी नफरत आपको इसीलिए आना पड़ा क्योंकि मेन मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। अर्नब ने इतना बड़ा जुल्म किया है, उसको आपने उठ के पहले दिन सैटरडे को उठा के चंद्राचूड़ ने बेल दे दी, तो मैं उस चंद्राचूड़ से क्या उम्मीद करूं? वो बॉम्बे के हैं, उनको बॉम्बे की एक एक चीज पता है। उनको आपको मैं अभी बता रहा हूं, चलिए सुनिए, आपके वो टाइगर क्या करते हैं उनको पता है, टाइगर क्या बयान देते हैं उनको पता है, टाइगर की क्या बैकग्राउंड है उनको पता है, टाइगर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है उनको पता है। इतना उनको बॉम्बे की खबर है, तो उनको बॉम्बे की यह खबर नहीं है कि जिसने 50,000 का घपला किया है, जो रोज माइक पे अनाउंस कर रहे थे, आपने उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपने अनाउंस किया कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो इलीगल है, ये सर्ट केस है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये एनल्स में जाना चाहिए जुडिशियल हिस्ट्री के, कि इसमें आपको हिंदी में बता देता हूं, उसका बड़ा क्लियर है, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ये महाराष्ट्र में किया इन्होंने। तो हर रोज यही काम कर रहे हैं ना आप। ये देखिए बॉन्ड जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रैप ऑन नकल्स, ये नूरा कुश्ती है कि एक आधी जजमेंट तो हमें करने दो माई बाप, ये नूरा कुश्ती है। नहीं आपको क्या लग रहा है कि नहीं मैं जजमेंट नहीं करेंगे, ये बेल नहीं। मैं अरोड़ा साहब, मैं बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जो केस है, जो आप केस जानते हैं लिकर पॉलिसी का, ये जो केस है जिसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और भी बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार किया गया, ये जो केस में जो पॉलिटिकल अरेस्ट हुए, क्या ये केस बहुत मजबूत नहीं है? अगर नॉर्मल जुडिशरी होती जिसपे प्रेशर ना होता तो क्या बेल हो जाती? मैं ये पूछ रहा हूँ। नॉर्मल जुडिशरी होती तो अरेस्ट ही नहीं होता, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। नॉर्मल जुडिशरी होती तो मनीष सिसोदिया को स्ट्रिक्चर पास करके बेल होती, तो दूसरे की होती नहीं। आपने तो उनको ताकत दे दी ना, मैं इसलिए इनको कसूरवार कह रहा हूँ। आपने गलत फैसला करके एक संसार, एक जो तानाशाह को ताकत दे रहे हैं आप, ये है इनका जुल्म। आप जब उसकी अर्नब की बेल करते हैं और मनीष सिसोदिया की नहीं करते, तो उनको गारंटी मिल जाती है कि हेमंत शरण को भी अरेस्ट कर लो। उसकी बेल क्यों नहीं सुन ली? वो कपिल सिब्बल को क्यों कह दिया हाईकोर्ट चले जाओ? अब बेसिक लॉ है कि अगर मैं सीधा बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ सकता हूं, अगर मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट की कि मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है, अर्नब को दो दे और हेमंत को नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे भाई? कहां है रूल ऑफ लॉ? चलिए, आपने आपने अरोड़ा साहब, आपने एक 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 लीगल पोजीशन आपने क्लियर की। और अरोड़ा साहब, आप न्यूयॉर्क से जुड़े, इफ आई एम राइट, न्यूयॉर्क से आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।